गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आपसे मैंने बोला था कि वीडियो 50 लाइक कराना, पर आपने नहीं सुना मेरा। तो कोई बात नहीं, मैं मछली ले आया हूँ तो आपको अभी दिखाऊंगा बहुत जल्द। पहले मैं अभी छत पे आया था, मैंने सोचा इनको खोल देते हैं क्योंकि देखिए धूप भी निकल चुकी है। अभी थोड़ी देर पहले बरसात आ रही थी ऊपर, अब बरसात नहीं आ रही है, तो मैं सोच रहा हूँ कि इनको खोल देते हैं। और अपने नीचे वो तोते वगैरह रखा है सीढ़ियों पर, उनको भी ऊपर ला कर रखते हैं। पहले इनको धीरे धीरे करके ऊपर रख दूंगा। तो गाइस मैं और परिंदों को भी लिया था नीचे जाके, तो गाइस मैं सारे परिंदों को ले आया हूँ ऊपर। तो इधर रख दिया मैंने, ये दिखाता हूँ। तो ये देखिए गाइस इधर रख दिया मैंने, और वो अपने पास एक पहले बेबी डॉग का बच्चा आया था, मैंने आपको दिखाया था वो। तो गाइस वो गुम हो चुका है, मिल ही नहीं रहा वो सुबह से। मैंने उसको बंद किया था इधर, इधर की साइड बंद किया था ये लगा के नीचे, फिर मैंने बंद किया था उसको। और वो गाइस वो बच्चा गुम हो चुका है बिल्कुल, नहीं दिख रहा। मैंने इधर पीछे भी दिखाया, अपने पीछे प्लॉट है कि ऊपर से थोड़ी उड़ गया कोई कौआ वगैरह, थोड़ी नहीं गया। तो गाइस वो बिल्कुल ही नहीं मिला अपन को। मैंने सोचा कोई बात नहीं, चला गया तो सैट टैग ठीक होके उड़ गया, पर मुझे वो बड़ा करके उड़ाना था गाइस। और कोई बात नहीं, वैसे नहीं पाया। तो मैं आपको मेरी फिशेज तो दिखाऊंगा जो लेके आया हूँ, मैं चार मौली फिश लेके आया हूँ, आपको रंग भी दिखाऊंगा मैं अभी। तो गाइस अब इस वीडियो पे आपको 50 बीफ कराने हैं कैसे ना कैसे करके, फिर मैं अगली वीडियो डालूंगा, नहीं तो फिर नहीं डालूंगा। तो आपको मेरे प्लांट्स भी दिखा देता हूँ। तो देखिए अपने गाइस प्लांट्स पीछे कैसे हो चुके हैं, ये देखिए गाइस पीछे। इनमें फूल भी आया अच्छी तरीके से, क्योंकि बरसात आई थी ना उसके वजह से पेड़ों में अच्छी ग्रोथ हो रही है। तो ये देखिए गाइस फूल भी आ चुके हैं पेड़ों में, और इधर पीछे भी आए हुए हैं, ये देखिए इधर की साइड भी आ रहे हैं फूल। तो मैं आपको फिशेज भी दिखाऊंगा, और मेरे अभी रैबिट्स वगैरह हैं वो भी दिखा देता है, वो भी हेल्दी हो चुके हैं पहले से, क्योंकि पहले गर्मी पड़ती थी जिसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा गर्मी लगती थी। अब बरसात का सीज़न है, मुझे अच्छा सीज़न है इनके लिए। तो आपको दिखाता हूँ मेरा मुर्गा वगैरह भी, देखिए मुर्गा इधर इधर में एक, और इसके अंदर अपना रैबिट है ये बेटा। पर मैं अभी इनको अभी नहीं खोलता, मैं इनको शाम को खोलता हूँ, क्योंकि अगर अभी खोल दूँगा इनको मैं मुर्गा वर्गा को अभी नहीं खोलता, क्योंकि अभी खोलूँगा फिर ये गंदगी करेंगे, अभी पूरी चल साफ़ है। और इनको शाम को खोलूँगा मैं, क्योंकि रोज़ ही शाम को खोलता हूँ, इनका रूटीन बना हुआ है शाम को खोलने का। और मैं अपनी फिश भी दिखाऊँगा अभी आपको, और भी प्लांट्स दिखा देता हूँ। पहले आपको ये देखिए मेरे कैट से ठीक हो रहे हैं, मैं अब आपको फिश दिखाने वाला हूँ मेरी, जो मैंने तक की साइड रख रखी आपको दिखाता हूँ कमल का पाउंड था उसमें। तो गाइस ये अपने पीछे इसमें फिश है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ मैं क्या मैंने अंदर अपने फिश रख रखी है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये अपने वो पहले कमल का था, वो इतना बड़ा हो चुका है आपको देखा होगा। तो ये देखिए अभी आपको फिश दिखेगी इसके अंदर, एक तो गाइस ये रही देखिए, एक तो ये रही मौली फिश, और इसमें चार कलर की फिश डाली है मैंने अभी, दो तो रेड है और दो ये देखिए इधर वो रही इसके नीचे होंगी। कल ही लाया था गाइस मैं अभी, मैंने सोचा था कि आपने कर दिए मेरे 50 लाइक, पर आपने नहीं किए, पर कोई बात नहीं आपको दिखा देते हैं फिर भी। ये देखिए गाइस ये रही इस टाइप से अपनी फिशेज हैं, तो भाई ने कहता जिससे। तो गाइस अभी आपने फिश देखी थी, वो फिश मेरे को पड़ गई थी 200 रुपये की, क्योंकि मैं गया था वहाँ पे, और भाई मेरे से कह रहे थे कि ये अभी ब्रीडिंग करने वाली है 2-3 दिनों में, कि इनके बच्चे होने वाले हैं, ये बच्चे देने वाले मौली फिशेज हैं। तो फिर मैं ले आया इनको, और ये चार पीस हैं अभी मेरे पास, दो तो येल्लो में और दो उसमें हैं। तो गाइस आपको ये बात बता दूँ, ये अपने बजीज पैरेट हैं, दोनों मेल निकल चुके हैं ये। तो कोई आपका सपोर्ट हुआ तो और भी बजीज पैरेट ले आएंगे अपन। और आपको ये वाले पैरेट देखिए, ये अपना ये भी दोनों मेल ही निकल गया गाइस, मैं सोच रहा था इसमें से एक फीमेल होगी, पर नहीं दोनों मेल है। और आपको वो अपने तीतर भी दिखा देते हैं, जब उसको दिया था ये भाई ने जब ये छोटा था, और अब देखिए कितना बड़ा हो चुका है, इसको बड़ा करके अपन उड़ाएंगे। तो इसकी ब्लॉग भी बहुत जल्द आएगा, और भाई जो नए जो सब्सक्राइब कर लो चैनल को, और देखिए अपने पेड़ कितने अच्छे हो चुके हैं। और गाइस ये फलियाँ भी आ रही हैं इसमें, दिखा रही है इधर, जिसको अपन जानवरों को खिला देंगे, थोड़ी बड़ी होगी कि अपन का खरगोश है उसके काम आ जाएगी। और मैं आपको दिखाता हूँ अपने अनार में, देखिए दोस्त हो रही है इधर, अभी सारे पेड़ अच्छे हैं। अब धूप हो चुकी है, तो मैं थोड़ी देर के लिए नीचे जाता हूँ, फिर पैरेटों को नीचे लेने के लिए आऊँगा। अब देखिए कितनी तेज धूप पड़ रही है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ उनको नीचे रख देते हैं। तो मैं सोच रहा हूँ पहले किसको इसको रखें, देखिएगा कितनी तेज धूप पड़ रही है, मैं इनको नीचे रख देता हूँ।
ये अकेला ही पिंजरा बहुत भारी है इनका, जो बहुत भारी है उतना ही नहीं है हमसे, इतना भारी पिंजरा है इनका। और देखिए मैंने आज सफाई की थी मेरी, तो बहुत ज़्यादा गंदगी रखने वाले पैर हैं, बजीज नहीं करते इतने ज़्यादा, इतने ज़्यादा ये इलेक्ट्रिक रिएक्ट करते हैं। पहले मैं इनको नीचे रख लेता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। मैं चलिए आया हूँ, अब धूप हो रही है तो मैं आपसे मिलता हूँ शाम को। भाई शाम हो चुकी है तो मैं अभी छत पे आया था, तो मैंने सोचा कि इनको भी ऊपर रख दिया जाए, तो मैं इनको भी ऊपर ले आया हूँ। 1000 और 1000 एक उधर सेट रखा है, और अभी ये भी 6 बजते ही मछलियों को खाना भी देता है, 6 तो सुबह 7 बजे देता हूँ, और एक अभी 6 बजे दूंगा, तो ये इधर रख रखा है खाना, तो ये वाला खाना देता हूँ मैं आपको दिखा देता हूँ। तो भाई इस टाइप से खाना मैंने इसमें भर दिया है ये डब्बी में, तो ये देखिए ये वाला खाना देना पड़ता है इनको। और भाई ने की थी कि अभी 3-4 दिनों में ब्रीड भी करेंगे, तो देखते हैं कोई एक बच्चा भी आता है या नहीं आता। वैसे उन्होंने की थी कि ये 200 बच्चे देती है एक बार में मोली फिश, तो मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि 200 देगी। मैंने मोबाइल में देखा था तो उसमें बताया कि 60 से लेकर 30 के बीच में मिनिमम देती है ये, तो देखते हैं गाइस कितने बच्चे देती है ये। और अभी इनको खाना भी देना है 6 बजे, तो मैं इनको फिर खाना भी डालूंगा। जब शाम हो चुकी है तो अपनी मछलियाँ हैं उनको खाना दे देते हैं, देखिए ये रहा खाना। अब शाम हो चुकी है तो मैं पहले मछलियों को खाना देते हैं, फिर और जानवरों को खाना देना है, तो चलो मछलियों को पहले खाना दे देते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। मछलियों को खाना डालता हूँ, देखते हैं कि कौन कौन मछली खाती है। जी देखिए गाइस मछली आ भी गई है खाना खाने के लिए, देखिए अभी धीरे धीरे करके सारी मछलियाँ आ जाएंगी। ये देखिए गाइस और 2 आ चुकी हैं उधर, देखिए गाइस ये तीसरी भी आ चुकी है। मछलियों को खाना दे दिया, तो आप बताओ कमेंट में आपको मॉली फिश कैसी लगी जो अभी नए लाए। इसके बाद और भी फिश लाएंगे, अगर आप अच्छे तरीके से मेरे को सपोर्ट करते रहते हो और धीरे धीरे अपनी फैमिली बढ़ाओ, तो मैं और जानवर भी लाऊंगा अभी धीरे धीरे करके। अपन सोच रहे हैं कि और बजीज भी लेते हैं, अपने पास 2 ही बजीज हैं। मैं सोच रहा हूँ अपन बड़ी कॉलोनी बनाएंगे, पर आपने ज़्यादा से ज़्यादा व्यू कराओ आप, और सब्सक्राइब भी बहुत ज़्यादा कराओ गाइस, बहुत कम सब्सक्राइबर, अपने अपनी फैमिली बड़ा करो जो और जानवर भी ला सकें। ये पूरी इच्छा है अपन आधे जानवरों से बढ़ सकें, इसलिए और भी ज़्यादा सब्सक्राइब करो अपन को। और मैंने इसमें अभी पेड़ लगाया था, इसमें मैंने कड़ी पत्ते का पेड़ लगाया मीठी नीम का, तो देखते हैं कितने दिनों में उगता है। उनको भी खाना दे देते हैं, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। मैं पेड़ों को पानी देने आया था इनको, तो शाम हो चुकी है, तो मैं ब्लॉग एंड कर रहा हूँ। बात को ब्लॉग मिलता है, अच्छा ब्लॉग अच्छा लगा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली बढ़ाएं। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।